साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाइएगा आवाज वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है। अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल GS Online को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UGC NET उर्दू यूनिट 6 का आज हमारा ये 25वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग सआदत हसन मंटू और उनके अफसाना को पढ़ेंगे, साथ में उनके अफसानवी मजमूने को देखेंगे, और साथियों अहम अहम जो अफसाना है उसको भी देखेंगे, और कुछ अहम अहम निकात को देखेंगे, और लास्ट में टूबा टेक सिंह कहानी एक उनका अफसाना है जो कि तकसीम हिंद के मुतालिक है, उसको भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज का ये सेशन काफी अहम होने वाला है, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए अगर मैं बात करूं सआदत हसन मंटू, इससे पहले वाला चैप्टर में हमने मुंशी प्रेमचंद के वारदात अफसानवी मजमुआ को देखा और उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगर मैं बात करूं सआदत हसन मंटू और इनका अफसाना, तो सआदत हसन मंटू की जो पैदाइश है 11 मई सन 1912 ईस्वी को सिमराला जिला लुधियाना पंजाब में हुई थी। बहुत ही अहम है 1912 ईस्वी को, साथियों कहां सिमराला जिला लुधियाना पंजाब में इनकी पैदाइश हुई थी, किनकी सआदत हसन मंटू की। अच्छा एक चीज बताइए, 1911 में किसी की पैदाइश होती है और 1984 में उनकी वफात होती है, ये कौन शख्स है बता सकते हैं आप में से कोई एक भी बता सकते हैं? 1911 में संबंध है, इसीलिए मैंने कहा कि 1911 में एक शख्स की पैदाइश होती है और उनकी जो वफात है 1984 में होती है जी। उसके बाद साथियों याद रखिए 1912 ईस्वी आया है तो सआदत हसन मंटू की पैदाइश बहुत अच्छा फैज अहमद फैज बहुत अच्छा, ये कौन है अबीदा इब्राहिम, अच्छी बात है, खुशी फैज और नसरीन बानो फैज, ठीक है बहुत अच्छा। चलिए और इनकी जो वफात है 8 जनवरी सन 1955 ईस्वी में लाहौर में इनकी वफात हुई थी। किनकी वफात हुई थी? सआदत हसन मंटू की। सआदत हसन मंटू का जो कलमी नाम है कहीं कहीं पर आपको आदम, कहीं सआदत हसन, कहीं मंटू, मोहल्ले में ये टॉमी के नाम से मशहूर हुए थे। किस नाम से? टॉमी के नाम से ये मशहूर हुए थे। इनके वालिद का नाम था गुलाम हुसैन, क्या नाम था? गुलाम हुसैन। मंटू के वालिद ने 2 शादियां की थी, मंटू दूसरी बीवी से थे, यानी गुलाम हुसैन ने 2 शादियां की थी, दूसरी बीवी से मंटू पैदा हुए थे। इनके वालिदा का नाम था सरदार बेगम, क्या नाम था? सरदार बेगम इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम था, और इनकी बीवी का नाम था सफिया, क्या साथियों? सफिया, जो कि 26 अप्रैल सन 1939 ईस्वी को इससे सआदत हसन मंटू की क्या होती है? शादी होती है। अगर मैं बात करूं इनकी तालीम के बारे में तो सआदत हसन मंटू ने मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से पास करने में 4 बरस लग गए थे, यानी 4 बरस में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, यानी 3 बार ये फेल हुए थे, और आखिरकार ये इम्तिहान 1931 में दर्जाए सोम में यानी 3rd डिवीजन से ये पास किए थे। उर्दू के पर्चा में ये बार बार फेल हो रहे थे। औलादे जो है सआदत हसन मंटू को 4 औलादे हैं। लड़का जो सबसे बड़ा लड़का था उनका नाम था आरिफ, जो 1.5 साल के बाद जिनकी वफात हो गई, यानी वो मर गया था, ठीक है। और 3 लड़की थी इनको, जिसमें से एक का नाम निगहत, दूसरे का नाम नजाहत, तीसरे का नाम नुसरत, ये 3 लड़कियां ये किनको थी? सआदत हसन मंटू की। सआदत हसन मंटू 1912 सिमराला जिला पंजाब में पैदा हुए थे, लेकिन ये हिजरत करके साथियों पाकिस्तान सन 1947 में चले गए थे। कब चले गए थे? 1947 में ये हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे जी। उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं तो सआदत हसन मंटू के जो अफसानवी मजमुए हैं
उसको हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग अफसाना को देखेंगे, साद हसन मंटू के अफसानवी मजमुए। ये चीज एक अलग मसला है कि इनका पहला अफसानी मजमुआ, फिर पहला अफसाना, ये भी बताऊंगा मैं आपको, पहले आप इसको देख लीजिए। साजत हसन मंटू के जो अफसानी मजमुए हैं, साथियों जो सबसे पहला जो इनका अफसानी मजमुआ है उसका नाम क्या है, आतिश पारे। क्या नाम है उसका, आतिश पारे जो है ये इनका पहला अफसानवी मजमुआ। याद रखिएगा बहुत काम आएगा। जैसे राजेंद्र सिंह बेदी का हमने पढ़ा कि उनका पहला अफसानवी मजमुआ जो है दाना ओ दाम है। क्या है, दाना ओ दाम जो है राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। दाना ओ दाम का जो साथियों हमने पढ़ा, तो इसी तरह हम लोग सादत हसन मंटू का जो पहला अफसानवी मजमुआ है उसका नाम क्या है, आतिश पारे। क्या, आतिश पारे। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद का हमने पढ़ा कि उनका पहला अफसानवी मजमुआ जो है उसका नाम है सोजे वतन। क्या नाम है, सोजे वतन। क्या नाम है, सोजे वतन। याद रखिएगा इसमें जो कुल अफसाने हैं वो 8 हैं और 1936 में ये अफसाना अफसानी मजमुआ शाये हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर में है मंटू के अफसाने, इसमें टोटल 26 अफसाने हैं। 1940 में ये अफसाना क्या हुआ था साथियों, शाये हुआ था। उसके बाद जी तीसरा जो इनका अफसानी मजमुआ है उसका नाम है धुआं। क्या, धुआं। इसके अंदर टोटल 42 अफसाना है और ये 1941 में ये शाये हुआ था। उसके बाद साथियों अफसाने और ड्रामे, ये भी सादत हसन मंटू का क्या है, अफसानवी मजमुआ है। इसके अंदर टोटल 7 अफसाने हैं और ये 1943 में शाये हुआ था। उसके बाद आपका है लज्जत संग। क्या, लज्जत संग। इसमें 3 अफसाना है और ये 1947 में ये शाये हुआ था। उसके बाद आपका है चौगद। चौगद पूछा जाता है, भी आई है, याद रखिएगा चौगद। ये साथियों इसके अंदर 9 अफसाने हैं और ये 1948 में शाये हुआ था। उसके बाद आपका है ठंडा गोश्त। क्या, ठंडा गोश्त। साथियों आपको बार बार पूछा जाएगा, ठंडा गोश्त इनका अफसाना भी है, ठंडा गोश्त इनका अफसानवी मजमुआ भी है। ठीक है, तो ठंडा गोश्त 8 अफसाने हैं इसके अंदर, 1950 में ये शाये हुआ था। उसके बाद है खाली बोतलें खाली डब्बे। खाली बोतलें खाली डब्बे, ये 13 अफसाने हैं इसके अंदर, ये 1950 में शाये हुआ था। उसके बाद है साथियों नमरूद की खुदाई। क्या, नमरूद की खुदाई। इसके अंदर 12 अफसाने हैं और ये भी 1950 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके बाद आपका है बादशाहत का खातिमा। ये सभी के सभी अफसानवी मजमुए हैं साथियों, कितना है समझ सकते हो आप। इसके अंदर 11 अफसाना है, 1951 में ये शाये हुआ था जी। उसके बाद आपका है साथियों यजीद। यजीद जो है इसके अंदर 9 अफसाना है और ये 1951 में शाये हुआ था। उसके बाद आपका है सड़क के किनारे। सड़क के किनारे, इसके अंदर साथियों 11 अफसाना है और ये 1953 में शाये हुआ था। कब हुआ था, 1953 में शाये हुआ था। उसके बाद आपका है सरकंडों के पीछे। सरकंडों के पीछे 13 अफसाना है इसके अंदर, 1953 में ये अफसाना क्या हुआ था साथियों, शाये हुआ था। उसके बाद आपका है फंदे। इसके अंदर 11 अफसाने हैं और 1954 में ये अफसानी मजमुआ शाये हुआ था। उसके बाद है बगैर इजाजत। ये साथियों 11 अफसाने इसके अंदर है, 1955 में यह शाये हुआ था। उसके बाद बुरके। बुरके जो है इसके अंदर 11 अफसाना है और ये भी 1955 में शाये हुआ था। उसके बाद आपका है शिकारी औरतें। क्या, शिकारी औरतें। ये साथियों इसके अंदर 12 अफसाने हैं, 1955 में ये भी शाये हुआ था। उसके बाद साथियों आपका है रत्ती माशा और तोला। रत्ती माशा और तोला, इसके अंदर टोटल 10 अफसाने हैं और ये भी 1955 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके बाद आपका है अनारकली। क्या, अनारकली। इसके अंदर टोटल 10 अफसाने हैं। देखिए अनारकली एक तो हमने पढ़ा कि ड्रामा है, एक ड्रामा है किनका लिखा हुआ, इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ। किनका लिखा हुआ है, इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ एक ड्रामा है अनारकली। लेकिन एक अनारकली अफसाना भी है सादत हसन मंटू का। ठीक है, याद रखिएगा। तज़किरा के बारे में हमने पढ़ा कि तज़किरा जो है एक इंतजार हुसैन का नाविल है, लेकिन तज़किरा एक साथियों क्या है, खुद नविश्त भी है। किनका लिखा हुआ,
मौलाना अबुल कलाम आजाद का लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह आगे है साथियों, एक मर्द, ये इसके अंदर आठ अफसाना है, ये एक अफसानी मजमुआ है। पर्दे के पीछे, क्या पर्दे के पीछे, इसके अंदर 10 अफसाने हैं, 1953 में यह शाया हुआ। उसके बाद है शादी, इसके अंदर 7 अफसाने हैं। उसके बाद आपका फंदे, इसके अंदर 5 अफसाने हैं। उसके बाद है ऊपर नीचे और दरमियान, ऊपर नीचे और दरमियान, इसके अंदर साथियों 18 अफसाने हैं। यह आपका 1953 में शाया हुआ था। कब हुआ था? 1953 में शाया हुआ था, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे साथियों, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद अब आपको सआदत हसन मंटू के जो अफसाने हैं उसकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। बहुत ही अफसाना बहुत ज्यादा है, तो कुछ जो मखसूस मखसूस अफसाना है उसको साथियों मैंने इंक्लूड किया है, और उम्मीद के इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। हमने ये पढ़ा कि सआदत हसन मंटू का जो पहला अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है आतिश पारे, लेकिन जो पहला अफसाना है उसका नाम है तमाशा। क्या नाम है? पहला अफसाना तमाशा। जैसे के साथियों हमने राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पढ़ा था कि उनका जो पहला अफसाना है उसका नाम है महारानी का तोहफा। क्या? महारानी का तोहफा। इसी तरह हमने ये पढ़ा कि मुंशी प्रेमचंद का जो पहला अफसाना है उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है, ठीक है। तो इसी तरह सआदत हसन मंटू का जो है तमाशा, ये पहला अफसाना है। क्या है? पहला अफसाना है। थोड़ा सा इसको और मैं बड़ा करता हूं। उसके बाद साथियों आप याद रखिएगा शीशु, ये भी इनका अफसाना है। उसके बाद आपका है नारा। क्या? नारा। नारा भी इनका अफसाना है, सआदत हसन मंटू का। उसके बाद आपका है शेहनशी पर। उसके बाद है खुदकशी का अकदाम। उसके बाद है बेगू, ये भी सभी के सभी साथियों क्या है जे, ये अफसाना है किनका? सआदत हसन मंटू का। मेरा और उसका इंतकाम, ताकत का इम्तिहान, ये भी सआदत हसन मंटू का है। दीवाना शायर और हतक, ये दोनों के दोनों साथियों सआदत हसन मंटू के अफसाने हैं। कबूतर वाला साय, उल्लू का पट्टा, ये भी सआदत हसन मंटू का क्या है? अफसाना है। मिस्र की डाली और शोगल, ये भी साथियों किनका है? सआदत हसन मंटू का अफसाना है। टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर साथियों लाल टेन, याद रखिएगा। देखिए टेढ़ी लकीर के बारे में हमने पीछे ये पढ़ा था कि टेढ़ी लकीर जो है इस्मत चौगताई का लिखा हुआ, क्या है? तो इस्मत चौगताई का लिखा हुआ नावल है, लेकिन हम यहां ये पढ़ रहे हैं कि सआदत हसन मंटू का लिखा हुआ क्या है? तो इनका लिखा हुआ अफसाना है। क्या है साथियों? अफसाना है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कागजी पैरहन। क्या? कागजी पैरहन, ये जो है इस्मत चौगताई का लिखा हुआ नाविल है, लेकिन साथियों कागजी पैरहन खलीलुर रहमान आजमी का एक शेरी मजमुआ भी है, हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था। आज हम लोगों ने ये पढ़ा क्या अनारकली जो है सआदत हसन मंटू का लिखा हुआ अफसाना है, लेकिन इम्तियाज अली ताज का जो है वो क्या है? ड्रामा है। परेशानी का सबब, परेशानी का सबब, ये साथियों अफसाना है। इसी तरह आम, ये भी अफसाना है। उसके बाद खालिद मियां, ये भी अफसाना है। कुत्ते की दुआए, ये भी अफसाना है। चौहद, अफसानवी मजमुआ और अफसाना दोनों है। बुरी लड़की, ये भी अफसाना है। गोली, हारता चला गया और बिस्मिल्ला, सड़क के किनारे, अभी आपको अफसानवी मजमुआ भी मैंने दिखाया और ये साथियों अफसाना भी है सआदत हसन मंटू का लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे कुछ और हमें मिलता है, जैसे कि खुशियां अफसाने का नाम है। बांझ, सआदत हसन मंटू का अफसाना है। उसकी उसका पत्ती, उसका पत्ती, इनकलाब पसंद, ये भी अफसाना है। जी आया साहब, ये भी अफसाना है। और मंतर, उसके बाद है साथियों पहचान। उसके बाद है बलाउज, बलाउज भी साथियों क्या है? ये अफसाना है सआदत हसन मंटू का। 10 रुपए और धुआं, धुआं के बारे में तो आपको जानना ही है कि धुआं भी आई है साथियों। आगे भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सआदत हसन मंटू के 5 ऐसे अफसाना हैं जिस पर साथियों क्या ताजीराते हिंद के मुताबिक दफा 292 लगा था और इस पर केस चला था, तो उसमें से जो एक अफसाना है धुआं है साथियों। क्या है? धुआं है, ठीक है। पंजाब में इस पर केस चला था।
हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा था कि उनका अफसानी मजमुआ सोजे वतन जो है उसको ब्रिटिश हुकूमत ने साथियों क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था और उसे नजरे आतिश कर दिया था, यानी जला दिया था। तो उसी तरह जी सआदत हसन मंटू का भी पहला जो अफसाना धुआं है ये, और भी इसमें चार अफसाने हैं साथियों, आगे मैं आपको बताऊंगा। नामुकम्मल तहरीर, नामुकम्मल तहरीर ये भी इनका अफसाना है। नया कानून, क्या नया कानून साथियों, ये भी इनका अफसाना है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है क्या है, क्या वो पूछ रहे भाई, सही का खान शाहीन क्या चल रहा है, चलिए ठीक है ओके। चलिए उसके बाद साथियों मातमी जुलूस, क्या है मातमी जुलूस, मातमी जुलूस, तो मातमी जुलूस जो है ये भी इनका अफसाना है। सजदा भी इनका अफसाना है। फूलों की साजिश, क्या फूलों की साजिश, ये भी इनका अफसाना है। गरम सूट, एक क्वेश्चन आपसे यहां पर साथियों, आपने पढ़ लिया कि गरम सूट जो है ये सआदत हसन मंटू का क्या है, अफसाना है, बताइए गरम कोट क्या है, गरम कोट क्या है साथियों, गरम कोट के बारे में आप बता दीजिए। उसके बाद साथियों शांति, शांति ये भी इनका अफसाना है। इश्के हकीकी ये भी इनका अफसाना है। उसके बाद आगे है साथियों एक खत, ये भी इनका एक अफसाना है। उसके बाद आका है साथियों परी, परी भी इनका अफसाना है। अब आपको आंसर पूछ रहा हूं तो आप कमेंट ना लिखिएगा, बाकी आपस में बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी लिहाज से भी, आप पढ़िए बाद में जो पूछना है पूछ लीजिएगा ठीक है। चलिए बताइए गरम कोट के बारे में, चलिए ओके। अफसाना है किसका, बेदी का है। अच्छा गरम कोट, गरम कोट क्या है, बेदी का, बेदी का नावल है, बहुत अच्छी बात है। गरम कोट साथियों किनका, राजेंद्र सिंह बेदी का ठीक है ओके। और गरम सूट किसका है, सआदत हसन मंटू का। उसके बाद बापू गोपीनाथ, ठंडा गोश्त, याद रखिएगा ठंडा गोश्त के बारे में पूछा जाता है, इस पर भी साथियों राजेंद्र सआदत हसन मंटू के इस अफसाने पर भी मुकदमा चला था, किस पर, ठंडा गोश्त पर। शादा, कुदरत का उसूल। उसके बाद है खुदा की कसम और औरत जात, जी औरत जात। उसके बाद साथियों आपका है क्या जी, उसके बाद आपका है जी जी, उसके बाद आपका है खूनी थूक, क्या खूनी थूक। उसके बाद है मौसम की शरारत, ये अफसाना है साथियों। उसके बाद आपका है इनकलाबी, मोमबत्ती के आंसू, ये सभी अफसाना है। चोरी, और उसके बाद है कब्ज, तरक्की पसंद, ये अफसाना है सआदत हसन मंटू का। शराबी, काली शलवार, काली शलवार याद रखिएगा, ठंडा गोश्त याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद आपका है शादी, उसके बाद है टूबा टेक सिंह, टूबा टेक सिंह जो है साथियों ये सआदत हसन मंटू का बहुत ही भीवीआई है, जैसे कि साथियों क्या, गरम कोट, ठंडा गोश्त और काली शलवार, टूबा टेक सिंह, ये सब पूछा जाता है। सोने की अंगूठी, ये भी इनका अफसाना है। उसके बाद रिश्वत, ये भी सआदत हसन मंटू का साथियों क्या है, अफसाना है। तो हम लोगों ने इनके अफसानवी मजमुए में दो तीन चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, वो क्या क्या है साथियों याद रखिएगा। मेरी तो खासियत है एक बात को डबल रिपीट करना, लेकिन क्या करें साथियों, छुड़ाता हूं छुटता ही नहीं है। एक नंबर में आप याद रखिएगा जो पूछा जाता है वो है ठंडा गोश्त, तो ठंडा गोश्त जो है सआदत हसन मंटू का है। दूसरे नंबर में याद रखिएगा काली शलवार, ये भी साथियों इनका क्या है, अफसाना है। तीसरे नंबर में याद रखिएगा गरम कोट, क्या साथियों जी, क्या हमने पढ़ा है कि जी इनके बारे में पढ़ा है कि इनका जो है क्या है, गरम कोट जी, जी गरम सूट इनका है और गरम कोट राजेंद्र सिंह बेदी का है, तो इनका जो है गरम सूट याद रखिएगा, और ठंडा गोश्त, काली शलवार, गरम सूट और टूबा टेक सिंह, टूबा टेक सिंह जो है ये इनका अफसाना है, आमतौर पे इससे पूछा जाता है आपको सवाल ठीक है। चलिए सआदत हसन मंटू ने बहुत सारे साथियों ड्रामे भी लिखे हैं, तो इनके पांच ड्रामे जो हैं बहुत ही मशहूर हैं, जिसमें से साथियों क्या है ये ड्रामे के मजमुए हैं आओ, ये इनका ड्रामी मजमुआ है जो कि 1940 में शाये हुआ था, और उसके बाद है जनाजे, इनका भी ये साथियों 1942 में शाये हुआ था। उसके बाद है तीन औरतें, ये भी साथियों ड्रामा का मजमुआ है, 1942 में शाये हुआ था। अफसाने और ड्रामे
1943 में, और पांचवा जो है मंटू के ड्रामे, ये साथियों क्या ये 1944 में शाया हुआ था। और सादत हसन मंटू ने खाके भी लिखे हैं, जिसमें से एक नंबर में है गंजे फरिश्ते। क्या गंजे फरिश्ते, जो कि 1952 ईस्वी में शाया हुआ था। और उसके बाद है लाउड स्पीकर, ये 1955 ईस्वी में शाया हुआ था। साथियों हम लोगों ने पढ़ा है क्या जिद्दी के बारे, दोजखी के बारे में, बताइए दोजखी किसने लिखा, तो ये भी खाका है इस्मत चुगताई ने लिखा, लेकिन यहाँ पे गंजे फरिश्ते लाउड स्पीकर ये खाका है जिसको सादत हसन मंटू ने लिखा। उसके बाद आगे कुछ चीजों को और हम लोग देखेंगे। ये सादत हसन मंटू सिर्फ एक नावल लिखा साथियों, इन्होंने यानी सादत हसन मंटू ने केवल और केवल एक ही नावल लिखा, उसका नाम साथियों क्या है बेगैर उन्वान के। क्या नाम है बेगैर उन्वान के। बाज लोग इसे नाविल कहते हैं और बाज लोग इसे नाविल्ट कहते हैं। अब देखिए एक बात मैं आपको याद कराता हूं, राजेंद्र सिंह बेदी साथियों, जो कि मोहसिन लाहौरी के नाम से भी मशहूर हैं, जी जिन्होंने पहले लिखा, ये भी इन्होंने भी साथियों सिर्फ और सिर्फ एक ही नाविल लिखा था, उसका नाम था एक चादर मैलीसी। क्या नाम था एक चादर मैलीसी, इनकी नाविल है एक ही नाविल। और दूसरा जो नाविल उन्होंने लिखा था राजेंद्र सिंह बेदी ने, नमक नाम से, वो अधूरा रह गया था। इसलिए साथियों आपको याद रखना है सादत हसन मंटू, इन्होंने भी एक नाविल लिखा जिसका नाम है बेगैर उन्वान के। राजेंद्र सिंह बेदी ने भी एक नाविल लिखा जिसका नाम है एक चादर मैलीसी। बाकी सभी के सभी जो उनके अफसाने हैं, क्या है अफसाने। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं, सादत हसन मंटू की पांच कहानियां ऐसी हैं जिन पर ताजीराते हिंद के दफा 292 के तहत हुकूमत पंजाब ने लाहौर में अदालती मुकदमे चलाए गए, जो मंदरजा जैल है। बहुत ही अहम है साथियों, कभी कभी आपको ये पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के कौन सी अफसानवी मजमू पे मुकदमे चलाए गए थे, तो सोजे वतन पे। इसी तरह सादत हसन मंटू का टोटल पांच अफसाना है जिस पर साथियों दफा 292 पंजाब लाहौर में मुकदमे चलाए गए थे। उसमें से जो पहला है साथियों वो है धुआं। क्या है धुआं, 1941 में ये शाया हुआ था। जी पहला क्या है, तो उसका नाम है धुआं। जी याद रखेंगे पहला जो अफसाना है उसका नाम है धुआं। दूसरे नंबर में है काली शलवार, याद रखिएगा इस पर भी 1942 में जो शाया हुआ था इस पर भी मुकदमा चला था। तीसरे नंबर में है बू, जो कि 1944 में, और चौथे नंबर में है ठंडा गोश्त, जो कि 1949 में, और ऊपर नीचे और दरमियान, जो कि 1954 में। और एक बात पता है साथियों, सादत हसन मंटू का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ठंडा गोश्त बहुत आता है, इसलिए याद रखिएगा। और कभी कभी यह भी दिया जाता है कि मंदरजा जैल में सादत हसन मंटू का वो कौन सा अफसाना है जिस पर मुकदमा चला था, तो उसका नाम है ठंडा गोश्त। क्या नाम है ठंडा गोश्त, ठीक है। चलिए उसके बाद अब आगे चलते हैं, वारिस अली के मुताबिक, वारिस अलवी के मुताबिक मंटू का पहला अफसाना तमाशा है। क्या है साथियों तमाशा, जो है ये इनका पहला अफसाना इनके मुताबिक। अच्छा हमने पढ़ा कि मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है, तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। क्या दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ठीक है याद रखिएगा। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना कौन सा है, तो महारानी का तोहफा। भूल गए क्या, महारानी का तोहफा भूले नहीं ना आप लोग जी। तो इसी तरह सादत हसन मंटू का पहला अफसाने का नाम क्या है तमाशा, ठीक है। मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ जो है उसका नाम है आतिशपारी। क्या नाम है आतिशपारी। तो मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, उसका नाम है सोजे वतन। क्या नाम है सोजे वतन। जी राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुए का नाम क्या है, तो उसका नाम है दाना ओ दाम। बॉन्स साथियों नहीं कर रहा है, ठीक है चलिए। उसके बाद मंटू ने सिर्फ एक नाविल लिखे जिसका नाम है बेगैर उन्वान के। तो इसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी ने सिर्फ एक नाविल लिखे उसका नाम है एक चादर मैलीसी। क्या एक चादर मैलीसी, इन्होंने एक ही नाविल लिखा था। मंटू ने कुल 12 शख्सियतों पे खाके लिखे, कितने शख्सियतों पे साथियों 12 शख्सियतों पे खाके इन्होंने लिखे थे, ठीक है याद रखिएगा। उसके बाद साथियों आज जो हम लोगों ने पढ़ा सादत हसन मंटू के बारे में उसको तो हम लोगों ने जाना ही, उसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना कि सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई, और इसका जो खुलासा है दो तीन अफसाने का, अफसाने मजमूए का कल वाले वीडियो में आपको मिलेगा।
और साथियों एक चीज ये जान लीजिए, कल है 20 जी, कल है आपका जी कौन सा 20 जून, और साथियों कल जो है आपको क्या होगा लाइव ओएमआर शीट पर जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे टेस्ट लगने जा रहा है। ये लाइव ओएमआर शीट जो है हमारे जीएस ऑनलाइन ऑफिशियल ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं यूजीसी नेट के मेंबर, क्या यूजीसी नेट के मेंबर, और इसी तरह आपको क्या है D SSB वाले, इसी तरह मानू बीएड वाले, क्या मानू बीएड वाले जी, मानू बीएड वाले, और इसी तरह UPTGT वाले, क्या साथियों UPTGT वाले उस टेस्ट को दे पाएंगे। टोटल 100 नंबर होंगे जिसमें से आपको 70 नंबर जो है उर्दू अदब, 10 नंबर साथियों आपको क्या हो जाएगा उर्दू ग्रामर, टोटल हो जाएगा 80, 10 नंबर GK हो जाएगा 90, 10 नंबर साथियों जनरल हो जाएगा 100। तो इस तरह आपके टोटल 100 नंबर के सवाल होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओएमआर शीट आपको भेज दिया गया है, जिन लोगों को भी ओएमआर शीट मिल गया है वो लोग मार्केट से निकलवा लीजिएगा, ठीक है साथियों। सभी लोग बताइए कैसा रहा आज का ये क्लास, अगर कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं साथियों। बाकी आप में से अगर जो भी लोग टेस्ट देना चाहते हैं, चूंकि फर्स्ट जो लाएंगे उनको ₹150 मिलेगा, जो सेकेंड आएंगे उनको ₹130 मिलेगा, जो थर्ड आएंगे उन्हें ₹100 का प्राइस दिया जाएगा। हालांकि ₹100 का ही मैंने ऐलान किया, लेकिन मैंने साथियों और ₹50 इंक्लूड किया है, बढ़ाया है इसको, ठीक है। आपको तो लगेगा कि बहुत छोटी रकम है, क्या करूंगा इसको लेके, लेकिन पता है इसको लेने के लिए जो है ना आपको पसीना छूट जाएगा, इतना आसान नहीं है ये जी। तो इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, और उम्मीद के तैयारी सही ढंग से करेंगे तो साथियों हम लोग जरूर कामयाब होंगे। ये तो ऐसे ही दिया जाएगा कि ताकि आपका मनोबल और बढ़ता रहे, अब तैयारी और सही ढंग से करते रहें, ठीक है सर। 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर यूजीसी का दे सकते हैं सर, चलिए ओके। बाकी और किसी को कुछ पूछना हो जी ओके, कुछ पूछना हो साथियों, आपको जो ओएमआर शीट ग्रुप में दिया गया है उस ओएमआर शीट को मार्केट से आपने निकाल लिया होगा तो ठीक है, नहीं निकाले हैं तो उसको निकलवा लीजिएगा। कल जो है आपका 7:30 पे टेस्ट चालू होगा, और साथियों आपको 8:30 में टेस्ट खत्म होगा, फिर 9 बजे आपको मिलान करवाया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया जो है आपको ग्रुप में दे दी जाएगी, और किस तरह टेस्ट देना ये सारी जानकारी। आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है जो UPTGT GIC या फिर D SSB या फिर आप साथियों मानू बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमारे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं और आप भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।